लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। नसरुल्लागंज क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लाटकुई में ग्रामीणों के सहयोग से पूरे ग्राम में सैनिटाइजर का स्प्रे करवाया गया। क्षेत्र में शांति व्यवस्था और धारा 144 का पालन कराने में ग्रामीणों द्वारा सहयोग किया जा रहा है। पुलिस लगातार क्षेत्र में गश्त कर रही है और भूखे मजदूरों को भोजन और सभी जरूरी सामानों की पूर्ति के लिए ग्रामीणों द्वारा मदद की जा रही है, जिसमें मास्क, सैनिटाइजर आदि सुरक्षा संबंधित वस्तुओं के साथ राशन और भोजन का वितरण ग्रामीणों द्वारा जरूरतमंदों में किया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि जब ग्राम पंचायत द्वारा लोगों की मदद नहीं की गई तो ग्रामीणों ने अपनी जिम्मेदारी समझकर ग्राम को सैनिटाइजर का स्प्रे किया। वहीं जरूरतमंदों में मास्क के साथ जरूरी सामान वितरित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। सैनिटाइजर जन सहयोग से छिड़कवाया जा रहा है और मास्क भी बांटे जा रहे हैं और लोगों को सचेत भी किया जा रहा है कि घरों से बाहर ना निकले, लॉकडाउन रखें। बीच पंचायत की तरफ से तो कोई सैनिटाइजर नहीं छिड़कवा जा रहा, पंचायत जन सहयोग से छिड़कवाया जा रहा है। पंचायत की तरफ से कोई मतलब इसमें कोई सुविधा नहीं मिली, अभी तक कोई सुविधा नहीं। सभी ग्रामीणों के जन सहयोग से ये सैनिटाइजर का काम किया जा रहा है, जिसमें शिक्षक भी हैं, पत्रकार भी हैं, गांव के समाज से भी गणमान्य नागरिक भी हैं, सामाजिक बंधु भी हैं, और सोशल डिस्टेंस के बारे में, हाथ धुलाई के बारे में, जो भी स्वास्थ्य विभाग ने जो गाइडलाइन तय की है उस गाइडलाइन के तहत जो सारी चीज़ें हैं वो सब ग्रामीण जो है सामूहिक रूप से मोहल्ले वाइज घर डोर टू डोर सबको समझा रहा है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, इससे सुरक्षा रखें। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।